विधायक बलजीत यादव के कोटे से सरकारी स्कूलों के लिए स्पोर्ट सामान की खरीद में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। खरीद वाली फर्मों और सामानों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके ऐसी फर्मों को दिए गए हैं जो हाथों हाथ या कुछ समय पहले ही रजिस्टर कराई गई थी। जिन फर्मों से सामान खरीद बताया गया है उनमें से किसी ने भी GST जमा नहीं करवाया है। जिनके नाम से फर्म रजिस्टर्ड है वे विधायक के नजदीकी रिश्तेदार हैं। इनमें से 2 फर्में तो सरकार की ओर से वित्तीय मंजूरी जारी किए जाने के बाद रजिस्टर कराई गई हैं। विधायक बलजीत यादव का कहना है कि ये सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य संजय यादव ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी मिली तो मैंने ASP जयपुर व लोकायुक्त को पूरी जानकारी दी। इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार से भी बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सामान की गुणवत्ता के साथ ही उन फर्मों की जांच जरूरी है जिनसे सामान खरीदा गया, क्योंकि ये सभी फर्म विधायक के मिलने वालों की हैं और इनमें से कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स गुड संबंधित बिजनेस को नहीं जानता है। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से फर्म भुगतान के बाद वह राशि विधायक के रिश्तेदारों के खातों में भेज दी गई है। इसका प्रमाण बैंक खातों की जांच पर मिल जाएगा। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।